हाय, मैं हूँ अमृता। और दोस्तों, आज मेरी दोस्त अंकिता इस मूवी का नरेशन करने वाली है। सो मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की नरेशन के जरिए दुनिया की कंडीशन के बारे में बताती है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं आप सभी को नरेशन के जरिए मूवी के बारे में बता रही हूँ। सो लड़की बताती है कि इंसानों के लिए ऑक्सीजन और सनराइज यानी कि सूर्योदय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, पर वो लड़की जिस दुनिया में रह रही है वहां से सूर्य का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। नरेटर को याद भी नहीं कि सूरज को ढलकर कितने दिन हो चुके हैं, क्योंकि बगैर सूरज के समय का बता पाना मुश्किल है। कुछ सालों पहले जब इंसान नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म कर रहा था, तभी उसने आखिरी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया और सब कुछ खत्म हो गया। तब से इंसान सोलर एनर्जी पर पूरी तरह से निर्भर रहने लगा और आज ऐसा समय है कि लोग अंधेरे में रह रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मानना था कि वो एक न एक दिन तो सूर्य की रोशनी जरूर देख पाएंगे। अब सोलर पावर भी वे लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। देन कहानी शुरू होती है और हम यंग नाम के लड़के को देखते हैं, जिसकी एक फ्यूचरिस्टिक एआई रोबोट होती है जिसका नाम होता है इल्सा, और वो आकर यंग को नींद से जगाती है। यंग जागता है, देन रेडी होकर वो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी से सैटेलाइट डेटा एनालाइज करता है, जिसे हेलियोस कहा जाता है। हेलियोस सोलर एनर्जी का निर्माता है जो चाइना के 3/4 हिस्से को फ्यूल सप्लाई करता है। इसके सीईओ का नाम वांग है। यंग हेलियो सैटेलाइट से डाटा एनालाइज करता है और हर बार की तरह इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। इस बार टास्क में यंग ये देखकर परेशान हो जाता है कि पृथ्वी के पास का एक तारा गायब हो गया है। उसका मानना है कि इस तारे के गायब हो जाने से सूरज पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि एआई रोबोट उसे याद दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के अनुसार तारे गायब होने का परिणाम सूर्य पर नहीं होगा। आगे जब यंग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो हम हर गली के हर दुकान में हेलियोस कंपनी द्वारा बनाए गए सोलर पैनल्स को यूज होते हुए दिखते हैं, जहां बैकग्राउंड में कंपनी डिस्ट्रिक्ट 4 में सोलर एनर्जी डेवलपमेंट को प्रसारित करती है। ये अकेला ही एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हेलियोस का लोगो पूरी तरह से नहीं पहुंचा। अगले दिन यंग को पता लगता है कि सूरज की चमक 15% से गिर गई है, यानी कि घट गई है और घटती ही जा रही है। तब जाकर इल्सा उसे उसकी थ्योरी सही होने के बारे में बताती है और यंग तुरंत सीईओ वांग को कॉल करता है। यंग उसे शक के नजरिए से पूछता है कि तुम्हें पता था ना कि तारे गायब हो रहे हैं, सूर्य के साथ भी वही होने वाला है। वांग ये बात सुन के उसे सवाल करता है कि अगर ये दुनिया का अंत हुआ तो वो क्या करेगा। तब यंग उसे बताता है कि वो सर्वाइव करने के लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, जिसे सुनकर वांग उसे कहता है कि अगर सूरज ढलने के बाद भी तुम सर्वाइव कर गए तो मुझे एक एड्रेस पे आकर मिलना। यंग का अनुमान था कि जैसे ही सूर्य की रोशनी बंद होगी, धरती का तापमान अंतरिक्ष की तरह ठंडा पड़ने लगेगा और इंसान मर जाएंगे। यंग अब सूरज को अच्छे से देखने के लिए साइड के अपार्टमेंट में चला जाता है, जहां खिड़की से वो देखता है कि सूरज झिलमिला रहा है। यंग की पड़ोसी जिसका वो अपार्टमेंट था, उसका नाम होता है चैन। चैन कंफ्यूज हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन यंग का ध्यान कहीं और ही था। सूरज की रोशनी अजीब तरह से फ्लिकर कर रही थी, जिसे देखने के लिए दुनिया सड़कों पर आ गई थी और ये न्यूज दुनिया भर में फैल जाती है। और देखते ही देखते एक बड़े से धमाके के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। सब कुछ पीच ब्लैक था। यंग को लग रहा था कि तापमान गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो एआई को कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ। तब इल्सा उसे बताती है कि टेम्परेचर आने वाले हफ्ते में 17 डिग्री तक गिर जाएगा और एक साल में 73 डिग्री तक गिर जाएगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन के खत्म होने के साथ दुनिया से जीव भी खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी भी बर्फ से जम जाएगी। अब यंग उसके पड़ोसी चैनमू को शहर छोड़ने के लिए कहता है और खुद भी यहाँ से निकल पड़ता है।
पूरी दुनिया इस सिचुएशन से काफी कंफ्यूज हो जाती है। ऑब्वियसली हमारे साथ भी होता तो हम भी कंफ्यूज हो जाती। कम पावर के बावजूद लाइट्स कम रही होती है और 24 घंटों बाद चली जाएगी। अब यैंग एक पानी की बोतल और एक मैप लेता है जिसके सहारे वो वोंग के बताए पते पर जा सके। घर वापस जाते वक्त एक लुटेरा यैंग पर हमला कर देता है जिसे यैंग बेहोश हो जाता है और उसका पैर भी जख्मी हो गया था। वो लुटेरा उसके पैसे लेकर भाग जाता है। जब यैंग अपनी आंखें खोलता है तो इल्सा बताती है, यानी कि उसकी रोबोट उसको बताती है कि यैंग पिछले 12 घंटे और 18 मिनट से बेहोश था। अब यैंग अपार्टमेंट में वापस जाता है जहां वो अपने कुछ कपड़ों के साथ इंस्टेंट नूडल ले लेता है और तभी चेनमू यानी कि उसकी पड़ोसी अपने बैकपैक के साथ वहां पहुंच जाती है और यैंग से उसके पेरेंट्स के पास जाने के लिए मदद मांगती है। लेकिन यैंग उसे बताता है कि ये नामुमकिन है और उसे जाने के लिए कहता है। हालांकि जब चेनमू उसे अपने कार के बारे में बताती है तो वो दोनों ही एक साथ ट्रैवल करने का डिसाइड करते हैं। जाने से पहले यैंग चेनमू से वादा करता है कि सीईओ वोंग से मिलने के बाद वो चेनमू को उसके पेरेंट्स के घर ले जाएगा और वो दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन दोनों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। वहां से चेनमू वॉशरूम जाने के लिए कार से उतर जाती है। जिस अवसर को देखते हुए यैंग यहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन भीड़ की वजह से वो नहीं निकल पाता और उसे रुकना पड़ता है। जब वहां चेनमू वापस आती है तो वो यैंग से पूछती है कि गाड़ी जहां पर पार्क थी वहां से उसने हटाई क्यों। तब यैंग उसे झूठ कहता है। वो कहता है कि वो गाड़ी को टर्न करने की कोशिश कर रहा था। देन उसके बाद वापस से अपना सफर शुरू करते हैं। आखिरकार वो दोनों रात में वोंग के घर पहुंचते हैं और वहां पर बाकी फंसे हुए लोगों से मिलते हैं। वो सब मिलकर ड्रिंक करते हैं लेकिन यैंग एक कोने में ही बैठा होता है। बाद में यैंग के गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है और इल्सा उसके साथ बात करना बंद कर देती है। अब AI रोबोट के ना होने से यैंग काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वही उसकी एक अकेली दोस्त थी। चेनमू इस बात को नोटिस करती है और यैंग को दिलासा देने की कोशिश करती है। बाद में जब यैंग सोकर उठता है, यैंग वोंग से मिलता है और उसका प्लान पूछता है। क्योंकि वोंग बहुत अमीर है इसलिए यैंग को भरोसा होता है कि वोंग के पास सरवाइव करने का कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। वोंग कहता है कि इस मुसीबत से वो नहीं बच सकते, ये कंडीशन मरम्मत से परे हो चुकी है, इसलिए वो मौत आने तक अपने घर पर ही रहना चाहता है। वोंग आगे बताता है कि अंतरिक्ष में बहुत दूर एक सिविलाइजेशन है जो दूसरे ग्रहों से एनर्जी इकट्ठा कर रही है और दूसरे ग्रहों से जीवन समाप्त कर रही है। इस बार पृथ्वी उनका लक्ष्य है और वो सफल रहे हैं। उन्होंने सोलर सिस्टम के सेंटर में वॉर्म होल बनाया है जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा और पृथ्वी के साथ सभी ग्रह अपनी कक्षा से दूर उड़ जाएंगे। आखिर में वोंग यैंग को डिस्ट्रिक्ट 4 के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स देता है और उसे कहता है कि अगर वो सच में सरवाइव करना चाहता है तो इस जगह पर वो चला जाए। चेनमू के जागते ही वो दोनों अपना सफर वापस से शुरू करते हैं जिसमें टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है और यैंग की बोतल का पानी भी जमने लगता है। चेनमू एक जगह पर नोटिस करती है कि स्पेस शटल टेक ऑफ हो रहा है, पर यैंग उसे कहता है कि ये अमीर लोग हो सकते हैं, खुद की जान बचाने के लिए ये दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं। कुछ देर में वो दोनों चेनमू के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं। अपना प्रॉमिस पूरा करने के बाद यैंग वोंग के बताए हुए पते पर सफर करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि यैंग नोटिस करता है कि जो चेनमू का प्लानिंग कार्ड था वो कार में ही छूट गया है, इसीलिए उसे वापस करने के लिए वो रिटर्न होता है। जब यैंग वहां पहुंचता है यानी कि चेनमू के पास जाता है तो उसके घर में चेनमू उदास और अकेली दिखती है। चेनमू हमेशा की तरह उससे बात नहीं कर रही होती। उस शहर के सभी लोग इमरजेंसी की वजह से शहर छोड़कर चले गए होते हैं। हम व्यूअर्स घर में एक फिश एक्वेरियम देखते हैं जो कि जमने लगा था। चेनमू के पेरेंट्स बेड पर मरे हुए पड़े थे। यैंग जाकर चेनमू के पिता के हाथ से लेटर लेता है और चेनमू को दे देता है, जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि चेनमू के पेरेंट्स उसके आने का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन चेनमू नहीं आए ये देखकर उसके पेरेंट्स उसके लिए लेटर लिखना शुरू कर दिए। वो लिख रहे थे कि शहर में खुद का ख्याल रखना, कि तभी उनके घर लुटेरे आ गए जिन्होंने चेनमू के पेरेंट्स को मार दिया। यैंग
चैन से बताता है कि वो अनाथ है और उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, जिसे सुनकर चैन पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। यांग चैनमु को उसके साथ डिस्ट्रिक्ट फोर आने के लिए कहता है और वो दोनों डिस्ट्रिक्ट फोर के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग डिस्ट्रिक्ट फोर पहुंच जाते हैं और हैरान होते हैं कि मैप उन्हें गलत जगह पर ले आया। अब उनके कार की बैटरी भी खत्म होने वाली थी, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक बिजली बेचने वाला घर है। वहां जाने पर वो एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास बिजली है जिसे वो कोयले से निकाल रहे हैं। लेकिन वो दादी चैनमु को वॉशरूम में लॉक कर देती है और यांग से कार की चाबियां लेकर उससे माफी मांगते हुए कार लेकर दोनों ही कपल वहां से भाग जाते हैं। अब चैनमु और यांग मुसीबत में होते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट फोर से काफी करीब थे लेकिन यांग के पैर जख्मी थे, इसीलिए वो चैनमु को अकेले ही डिस्ट्रिक्ट फोर जाने के लिए कहता है। लेकिन चैनमु जोर देकर कहती है कि वो बगैर यांग के यहाँ से नहीं जाएगी। बहुत सोचने के बाद दोनों डिस्ट्रिक्ट फोर के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं और इंस्टेंट नूडल खाते खाते शानदार रात को देखते हैं, जो कि सूरज के रोशनी के बिना भी सरप्राइजिंगली सुंदर लग रहा होता है। वो जो सिटी में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उन्हीं की कार रोड के साइड में खड़ी है, लेकिन तभी एक वर्कर्स का ग्रुप उनके तलाश में आता है। यांग चैनमु को बचाने के लिए खुद को उनके हवाले करता है। वो ग्रुप यांग को उनके हेडक्वार्टर्स ले जाता है और कोयला निकालने के लिए उसे माइन वर्कर्स के साथ रखता है। हालांकि चैनमु हार नहीं मानती और बस एक पेपर स्प्रे के साथ यांग को बचाने चली जाती है। जब वे दोनों कार में वापस आ जाते हैं, चैनमु कार को फुल स्पीड में डिस्ट्रिक्ट फोर की तरफ ले जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट फोर के एंट्रांस में रुकते हैं और यांग को एहसास होता है कि इस जगह पर जियोथर्मल एनर्जी है जो उन्हें बचा सकती है, इसलिए वो अपनी जर्नी जारी रखते हैं। ट्रैवल करते वक्त वो देखते हैं कि उनकी कार की खिड़कियां जमने लगी है और रोड भी जमने लगती है। उनके पास ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन उनके कार की बैटरी खत्म हो जाती है और कार रुक जाती है। उनके कार से एक ऑटोमेटेड वॉइस आती है जो कहती है दोनों अपने आखिरी समय को अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद चैनमु यांग का नाम पुकारती है, लेकिन यांग कुछ नहीं बोलता। रोते हुए वो अपना सर यांग के कंधे पर रखती है और ठंड से जमने लगती है। धीरे धीरे वो भी सो जाती है। कुछ देर बाद एक कार उनके पास रुकती है जिसमें से एक कपल बाहर आता है और बेहोश यांग और चैनमु को डिस्ट्रिक्ट फोर में सुरक्षित जगह पर ले जाता है। एंड में हम बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनते हैं जो बताती है कि पृथ्वी तेजी से दूसरी गैलेक्सी में जा रही है और जल्द ही वे अपने नए घर में पहुंचेंगे जिसके तीन सूरज हैं।